तुम टंगरी पकड़ रखी वाली है, देखे देखे पापा आ गए, पापा पापा लड्डू का पापा कहाँ गए, लड्डू का पापा आ गया आ गया आ गया, लड्डू का पापा आ गया, ये पापा गोदी ले लिया। फ्रेंड मेरा फोटो क्लिक हो चुका है, बस मेरा मोमबत्ती भी बुझने जा रहा है, तो चलो बेटा फोटो कर जल्दी से फोटो कर। 1 2 3 फैमिली वेलकम टू माई चैनल पर आप सभी को स्वागत है। मैं तुम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मैं आप लोगों का बस ठीक हूँ फ्रेंड। और जय माता दी, हर हर महादेव फ्रेंड। और अभी तो गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं हो रहा, गुड आफ्टरनून का टाइम हो रहा फ्रेंड। और अभी मैं घर का काम जस्ट अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं लड्डू जो है ना वो काम करने देता नहीं, आपको जैसे कि पता है फ्रेंड। तो सुबह से मैं बस यही काम की हूँ, बाहर में बर्तन से मैं सब खाली वाली करके बाहर में रखी हूँ धोने के लिए, और दूध को गर्म की हूँ, और साइकिल बाहर निकाले कि वो झाड़ू करें बोल के। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जो है ना बहुत ज़्यादा नटखट हो चुके हैं, और कपड़ा वपड़ा सब वो चूच करके, और लड्डू का आधा कपड़े यहाँ रखे, रोहित जी का आधा कपड़े यहाँ रखे, आधा कपड़े मेरे वहाँ रखे, और यहाँ पे बेड मेरा मतलब ये जो बिस्तर से नीचे थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो आज इसको गोश करके अच्छे से सजाए हैं जैसे कि दिखता होगा। और अभी मैं पूजा माता रानी को भी साफ नहीं की, नहाई नहीं तो साफ काम से करूँगी। तो अभी जस्ट मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, बर्तन तक धोऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर मुंह धोने का बाद नहाने का बाद फिर जो है माता रानी का पूजा वूजा करूँगी। और ऐसे तो आज 6 जून चल रहा, पता नहीं चल रहा फिर मेरे को, मतलब घर के अंदर में रहते ना गाइस, तो मेरे को ना समझ में नहीं आता कौन सा डेट चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा क्या दिन है, क्या से क्या दिन है, ये समझ में नहीं आता जानते। हम इतना बड़ा ब्लैकर्ड हो जा रहा है फ्रेंड घर में रह रहे के, जानते हैं कुछ चीज़ का पता नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता है जानते हैं। कैसे आप लोगों के साथ होता है कमेंट कर बताइए, तो मेरे साथ सिर्फ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी होता है ऐसे, और ऐसे सिर्फ ना बाबू होने के बाद ही ऐसे हो रहा है फ्रेंड, वरना इससे पहले हम ना कभी भूलते नहीं थे ना कभी ये होता था, लेकिन अभी मतलब ना याद है मेरा कमज़ोर जा रहा है कि क्या हो रहा पता नहीं चल रहा है। तो चलिए आप लोग बने रहे मैं ब्लॉग पर। आज कल धूप बहुत सुंदर मौसम निकला है, और बाहर पे हम कपड़ा से सुखाएंगे बोले तो, लेकिन यहाँ पे जो भाड़ा दर में और भी तो है ना भाड़ा में, तो वो लोग पहले कपड़ा उपड़ा चादर उदर सब बेड सब दे दिया सुखाने के लिए, तो उनका कपड़ा सब गिला है, तो सब देखते हैं कैसे सुखाएंगे बोल करके। यहाँ पर थोड़ा सा ना जेलस वाला होता है, अगल बगल में जानते ना थोड़ा सा झगड़ा वाला होता है महसूस। हम किसी से देखे बात उत नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगला आदमी अगर मैं से बात नहीं करे तो फिर मैं क्यों बात करूँ। मैं तो बात करना चाहती हूँ, मैं जो ना फैमिली बना के रहना बहुत पसंद है, बट अगला आदमी फैमिली नहीं बनाता तो मैं क्या करूँगा इसलिए। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने। इससे तो बिस्तर से मैं झाड़ ली थी, और यहाँ पे लड्डू को मैं सुला दी हूँ, तो अभी मैं जो है झाड़ू उड़ू करूँगी, और कपड़ा पूरा सब गोच हो चुका है, तो अभी मैं झाड़ू करने के लिए जिस झाड़ू रखी हूँ यहाँ पे, फिर झाड़ू पोछा करने के बाद बर्तन वर्तन धोना है, फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह में सुखाना है, दूसरे तो पूरा गंदगी फैला है ना सर, कपड़ा सब है जिस सबको सुखाना था सुखाया नहीं अभी तक। तो चलिए बने दी मैं ब्लॉग पर, हम ज़्यादा फटाफट झाड़ू उड़ू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो घर मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, और यहाँ पर कपड़ा जो था धोने में रख दी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए ब्रश और जीबी कॉलगेट पकड़ करके। यहाँ पर देख सकते हो पूरा क्लीन हो चुका है, बाहर में सब कपड़ा सुखा दिए है जगह बना करके, और यहाँ पर लड्डू रो रहा है तभी से, क्या करे फ्रेंड रुलाने का। और एक मिनट कैमरा नहीं पकड़ा हाथ में ना सा अपनी सारा सबको पकड़ने से। तो फ्रेंड्स हमको ना बच्चा रुला रुला काम करने की इच्छा है तो मन नहीं करता, लेकिन क्या करें गाइस, अकेले घर में रहने की वजह से बाबू का रुला रुला कर काम करना पड़ता है, रुलाना भी चाहिए बच्चा को बोलते हैं ऐसे, बच्चा का जो है गर्दन होता है ना वो साफ होगा मतलब चिल्लाएगा ज़्यादा, तो इस वजह से लड्डू ना बहुत स्लो रोता है, ज़्यादा जोर से नहीं रोता है, इसका आवाज़ ना बाहर तक नहीं गूंजता है, बस सही घर तक गूंजता है आवाज़ इसका लड्डू का, बहुत बदमाश है। अभी ब्रश पकड़ लिया, ब्रश करना है चलो जाएंगे नहाने, चलो जल्दी चलो नहाने, चल जल्दी उठो खड़े हो। तो मैं नहाना वहाना हो चुका है, लड्डू का भी नहा लिया, बस उसको रेडी नहीं किया बोल के हम आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, और उसको अभी रेडी करें फिर हम लोग दिखाते हैं। और मैं पूजा वूजा भी हो चुका है, और पूजा मेरे माता रानी को मैं पूजा कर चुकी हूँ, हो गया भगवान का। और अभी हम नाश्ता कुछ बनाए नहीं गए, तो हम सोचे चलो मार भार जो है रात को उसी को खा लेते हैं, ऐसे भी खेत में चावल खाते हैं कि फ्रेंड फेंकना नहीं चाहिए, किसी किसी को बस चावल मिलते ही नहीं खाने के लिए, और हम लोग का किस्मत इतना अच्छा है कि हम लोग चावल मिल जा रहा है। एक टाइम ऐसे था कि फ्रेंड हम चावल के लिए बहुत तरसते थे खाने के लिए, लेकिन अभी भगवान का दुआ इतना है कि मेरे को अभी खाने मिल जाता पेट भर के फ्रेंड। चलिए बने रहे ब्लॉग पे मेरा, और यहाँ पे चावल भी मार भाते हैं, और रात को मड़ी आलू की सब्जी है,
और पानी है, नमक है, तो चलो बने रहिए बाय वहाँ पे। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम भी नहीं मतलब नाइट का समय हो रहा है और अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पता है रोहित को देख के लट्टू पूरा उछलने कूदने लग रहा है पूरा रोहित के पास जाने के लिए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा से और इसी को बोला जाता बाप बेटा का प्यार ना गाइस, क्योंकि देखिए रोहित सुबह से निकल जाते हुए कि वह शाम में आते हैं और रोहित दिन भर मेरे को मतलब बाबू देखते रहते हैं, तो फिर बाबू मेरे को दिन भर देखते रहते उसको पापा को देखने नहीं सकता, इस वजह से अभी वो पूरा अपने पापा पर जाने के लिए छटपटा रहे हैं, उसको टंगरी को पकड़ के रखे हैं, गिरने का भी डर नहीं है उसको, पलक से कहीं गिर जाएंगे लग जाएंगे बोलकर एकदम बिल्कुल भी डर नहीं है गाइस, पता है आपको, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो मैं टंगरी पकड़ रखी और ये देखिए देखिए पापा आ गए, पापा पापा लड्डू का पापा कहाँ गए, लड्डू का पापा आ गया आ गया आ गया, लड्डू का पापा आ गया, ये पापा गोदी ले लिया, ये 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 पापा ले लिया गोदी, ये 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 नच नच करो, ये 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 पापा गोदी ले लिया, लड्डू गोदी ले लिया, पापा गोदी गोदी, ये 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 बहुत मजा आया, डिंग 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 बहुत मजा आता है ना पापा के, पापा को सुबह में याद आता है ना लड्डू, पापा देर पर गायब हो जाता, पापा कहाँ चल रहा था पापा बोल तो, पापा मुझे छोड़ के कहाँ चल रहा था पापा, बापरे देखिए गाइस पापा आया तो मेरा दाल बदलू हो गई, बदल गया गाइस, बदल गया मेरा बेटा, पापा हर दिन में चल गया मम्मा को छोड़ दे ब्रेड, लेकिन बैठा नहीं पूरा गाइस, हाँ बैठा बैठा उसको छोड़ दो उसको, अरे पापा जा रहे हैं, देखे 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 पापा चल गए, जा कामू चल गए पापा, पापा कामू चल गए, कामू टाटा पापा कल आना ठीक है, चल गए जा पापा, आप कहाँ जाओगे, मम्मा गोदी नहीं लेगी, हाँ अभी पापा आया पापा के पास तुम गया ना मम्मा को छोड़ कर के, देखे 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 इसको देखिए, अरे अरे पापा कहाँ पापा कैसे हो रहा, देखे 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 थोड़ा भी डर नहीं है कि गिर जाएंगे ना क्या बोल करके लड्डू को। तो चलिए फिर ना रोहित जी क्या क्या लेकर आए हम लोग दिखाते, और सुबह से कुछ भी नहीं बनाए गए, देख सकते चूल्हा पूरा साफ है, हमको ना इच्छा ही नहीं किया बनाने का कुछ इस वजह से, तो अभी हम बनाएंगे गए, तो यहाँ पर देख सकते समोसा लेकर आए रोहित जी इसमें, और इसके अंदर में क्या है, वाओ लड्डू किक्कू आया है, काफी दिन का बाद किक्कू खाने का मिलेगा, ऐ वे लड्डू इधर देखो किक्कू है तेरे लिए, देख आज तेरा बर्थडे है गो सोना तो इसमें क्या है गो, इसमें दूध है ना, कितना खिलाया, आधा किलो, आधा किलो ना, हम तो बोलते हैं कि आधा किलो है दूध बोलते, लेकिन कोई कोई दीदी लोग बोलते कि दूध किलो से थोड़ी मिलता है बोलते हैं, तो इसको खोल तो गए थोड़े से, एक हाथ तो खुलता नहीं है, तो इसमें है धुसका 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 गोल गोल धुसका, एक किलो मिलता है और एक पाव मिलता है, तो एक पाव लेकिन देने नहीं खोजता है, एक पाव भी देगा मांगेंगे तो एक पाव तो नहीं, एक पाव लाया करो ना लड्डू के लिए सिर्फ, और देखिए 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 इसको नटखट बच्चा को देखिए, तो देख सकते दूध इसमें, और इसमें लड्डू के लिए पेड़ा है, लड्डू का पेड़ा है, लड्डू का पेड़ा है, ये भी कड़ा है सॉफ्ट नहीं है, लड्डू पेड़ा पेड़ा है, देखिए देखिए इसका दांत निकल आएगा, दिखाया है देखिए, दिखा बेटा दांत दिखा दो सोना, नहीं लड्डू नहीं दिखाना है दांत, मम खाना कि नहीं, चूहा ले जाएगा, तो चलिए फिर बने रही हम ब्लॉग, क्योंकि आ चुका बाबू का फाइनली केक, और बाबू मेरा 9 महीने का पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, और लड्डू को देख सकते हो पूरा इसको काटने के लिए बकाया है, तो चलिए इसको कट कराते हैं, पहले एक दो फोटो ले लेते हैं बाबू के लिए, क्योंकि इसका यादगार रह जाएगा, जब हम लोग मतलब हम लोग बाबू बड़ा हो जाए तो वो भी याद करेगा कि मम्मा लोग कितना हमको यह करते थे, बोलते क्योंकि हम लोग माँ बाप लोग तो ऐसे खुशी दिया नहीं, लेकिन हम चाहते कि मेरे बच्चों को हर एक चीज़ का खुशी मिले, हाँ वही तो, ये तो बेटा किक्कू किक्कू किक्कू।
फ्रेंड हम लोग फोटो क्लिक हो चुका है, बस मेरा मोमबत्ती भी बुझने जा रहा है, तो चलो बेटा फूको कर जल्दी से फूको कर। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे डियर टाकलू लड्डू लड्डू गोपू। चलो केक काट दो सुना, जल्दी से केक काटो। मम करना है ना, मम नहीं खाना है। देखिए उसको गाइस, देखिए 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 हाथ से ये करना खोज रहा है। चलो बेटा मम करो जल्दी से, केक को काटो करो। केक कटेगा तो सब में बटेगा ना। ये तो बर्थडे बॉय बहुत बदमाश है फ्रेंड, देखिए। हाँ चलो काटो 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 काटो। ये भी देखिए उसका हाथ में लगा है क्रीम, और अभी देखिए इसका मजा। मुंह खोल रहा देखिए खाने के लिए, आधे देखिए। ये गिग गिग दिंग मजा मजा टेस्टी टेस्टी। तो फ्रेंड उसका हो चुका केक कटिंग, और वो अपना खा भी लिया केक अपने से, उसको खिलाने की जरूरत भी नहीं है देखे ना। तो चलिए बने रही मेरे फ्रेंड ब्लॉग पे। चटनी आ चुका है, धुसका आ चुका, तो मैं आधा टुकड़ा खा ली। धुसका बहुत मज़ा लग रहा है, और किसको किसको पसंद है धुसका खाना बताइएगा ना। चावल का बनता है ना वो, चावल का क्या रहता है इसमें। आपको पता तुम्हें अच्छा लगता है जिसका खाने में, तुमको सबसे सही लगता है। आई लव स्टोरी कब सुनाना बता, तो कब टाइम मिलेगा? जब टाइम मिलेगा तब, अभी टाइम नहीं है। उनका टाइम नहीं है अभी, बोल रखे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं चावल आ चुका रात का खाना में। तो यहाँ पे माड़ भात है, आलू का भुजिया है, नमक है, समोसा है, और पानी है, और यहाँ पे मेरे रोहित जी हैं, और यहाँ पे कपड़ा सब जो नहीं सूखा था वो सब हम सुखाए पंगा के नीचे, देख सकते हैं गाइस। तो चलिए आप लोग बने रहे, उसमें कपड़ा सब धोया हुआ सबको समेट करके कल सुबह फिर रखना है। तो चलिए खाते फटाफट, और किसको किसको पसंद है समोसा के साथ खाना खाना बताइएगा। देख सकते 5 रुपये का समोसा है गाइस, आप लोगों की तरफ 5 रुपये में कितना बड़ा समोसा मिलता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं खाने के लिए रात का डिनर। मॉर्निंग आप लोग कैसे हैं, मैं तो बढ़िया हूँ, सुस्त हूँ, मस्त हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं घर का काम स्टार्ट करी हूँ, बस अभी किचन में झाड़ू की हूँ, रूम झाड़ू नहीं की है क्योंकि लड्डू सोया है। तो अभी हम बाहर का काम करने जा रहे हैं, यानी कि बर्तन से भेजते हैं। यहाँ पर बर्तन है धोने का, और यहाँ पे है कपड़ा धोने का, तो कपड़ा और बर्तन धो लेते हैं फटाफट। और अभी ना धूप दिया था, फिर मौसम देख सकते कैसे हो गया फ्रेंड। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आया तो लाइक शेयर कमेंट करके सर प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाइए रखेगा। और आज जगन्नाथ भगवान का पूजा भी है, रथ गाड़ी निकलने का है, तो आज हम जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो हम मेरे फूफू को फ़ोन करते हैं, मैं फूफू आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे वो तो मैसेज की थी कि मंदिर जाना है कि नहीं बोल के, आज तो हम रिप्लाई नहीं दिया, तो अभी हम फ़ोन कर डायरेक्ट बात करेंगे कि मंदिर जाना है कि नहीं। तो हमको ऐसे मंदिर तो जाना है गाइस, क्योंकि भगवान जी का पूजा करना भी ज़रूरी है कि नहीं, तो इसलिए हम अभी फ़ोन करते। तो चलिए आज के ब्लॉग यहाँ पे एंड करते, बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आप बाय बाय, शुभ रात।